ध्यान रखना, आपको बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का ज्ञान देंगे रास्ते में, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे इतने सारे सवाल तुम यूनिट्स में कर रहे हो तो बाद में क्या करोगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, ठीक है। तुमने यूनिट्स में इतने सारे लेक्चर लगा लिए तो बाद में क्या करोगे, वो बाहर से बैठ के देख रहे हैं, वो बाहर से बैठ के कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उनको मेरी जगह आके पढ़ाना पड़ जाएगा ना, वो यहां पे 50 लेक्चर ले लेंगे तब भी नहीं तुम्हें समझा पाएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। उन पर मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप उनको कहना ओके, बस इतना बोलना ओके, आपने ज्ञान दे दिया, हम आभारी हो गए, धन्यवाद, पूरी जर्नी चलते रहना मेरे साथ, ठीक है। अगर तुम्हें सुनना पड़ जाए सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्लानिंग मेरी है, सारी प्लानिंग सिस्टम की है, हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें आगे प्लान्ड है, आपको भी सब पता लगेगा, ठीक है। किसी को कोई चीज, तुम फालतू की बात मत करना, किसी को कोई चीज का वो मत लेना, क्योंकि ये चीज आती है। अब मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस के साथ चलें। प्रॉब्लम क्या है, 10वीं क्लास में बच्चे के पास प्रैक्टिस भी नहीं है, घर पे वो करना भी नहीं चाह रहा है, तो हम लोग क्वेश्चंस को साथ में कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन बाद में जब हमारी स्पीड होगी तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है, क्लियर। यस बेटा, एक तो आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा, ठीक है, बी हम्बल, ये जो आप लिख रहे हैं, बी हम्बल, ये जो आप लिख रहे हैं, ये वाली हरकत तो बिल्कुल ही मेरे सामने मत करना, ठीक है, क्योंकि इसका एक मेरे पास बहुत अच्छा इलाज है। जिस दिन आपने ऐसे करना स्टार्ट किया, ठीक है, बिलीव मी, मेरा कम्युनिकेशन आपसे खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं किसी को ना रोस्ट करना चाह रहा हूं, आपके साथ हंसी मजाक अलग होता है, मैं किसी को कोई रोस्ट नहीं करना चाहता। जो भी व्यक्ति है वो अपना काम कर रहा है, अपनी सही इंटेंशन के साथ काम कर रहा होगा, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सही इंटेंशन के साथ काम कर रहा हूं। मैं बस आपको यही कह रहा हूं कि जब आपको ऐसा, अगर आपको कोई दोस्त भी बोल दे, जैसे एक बच्चे ने बोला भी था कि सर उसके में तो ये टॉपिक खत्म हो गया, तो हो गया होगा यार, हो गया होगा, ठीक है, इसका मैं लोड लेके क्यों पढ़ाऊं, ठीक है। आपको इस चीज का डाउट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे डाउट में आ जाते हैं और डाउट में आने के बाद चीजें खराब करते हैं। मैं कह रहा हूं ठीक है, डिसीजन ले लो, आपको पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो फिर कहीं और पढ़ लेना, लेकिन डाउट में मत रहना। ये नहीं कि आप डाउट में रह के 10 दिन वेट कर रहे हो, कुछ और समझ आ जाएगा, एक्शन ले लेना बस, ठीक है। एंड अगर आपने दोबारा कभी भी मेरी क्लास में हुआ, अगर आपने किसी और को मेरे सामने डिमीन किया या गलत बोलने की कोशिश करी, बिलीव मी, मैं आपसे कम्युनिकेशन खत्म कर दूंगा उसी समय, ठीक है। मेरे को पढ़ाना है, पढ़ाना रिकॉर्डिंग में भी होता है, तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग के जैसे चलेगा, ठीक है। इस क्लास को मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे चलेगी, आप नहीं, ठीक है। किसी, आप तो सबसे पहले तो आप रिस्पेक्ट करना सीखिए लोगों की, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज कह रहा हूं तो जरूरी नहीं है वो किसी की लेग पुलिंग, ठीक है, और मैं पर्सनली वैसा इंसान नहीं हूं कि मैं किसी की लेग पुलिंग करूं, ओके। आपको जो सोचना आप सोचिएगा, लेकिन बिलीव मी, जैसा मैं आपको कह रहा हूं बस उतना कोशिश करिएगा, अदरवाइज चीजें कॉम्प्लेक्स आपको दिखेंगी, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, रास्ता टफ होगा लेकिन यस, आसानी से हम लोग निकाल ले जाएंगे साथ में, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर आपने मेरे स्टेटमेंट को किसी और के साथ जोड़ के सोचा और आपने उसको डिमीन किया या मेरे को डिमीन किया, ठीक है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टीचिंग यू, ठीक है, बिकॉज वी ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट, दोज पीपल ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट। हर कोई एक प्योर इंटेंशन के साथ काम कर रहा है, मैं ये मान के चलता हूं। तो आपको ना ये वाले गेम में पढ़ना नहीं है। इस गेम में ना बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत लोग अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। आप लोग अभी जस्ट आए हो ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब करके, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वही बात है, जब एग्जाम के समय अगर आप आज की डेट में 12वीं क्लास के बच्चे से पूछोगे ना यार कि कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज में आपने पार्टिसिपेट किया, क्या होगा, और आज को कि क्या इंपॉर्टेंट था, तो वो तेरे को भी बोले भाई पढ़ ले, ठीक है। तो बीइंग अ सीनियर बोलो या बीइंग अ टीचर बोलिए, मैं आपको वही चीज गाइड करूंगा जो आपके बेनिफिट के लिए है। आपके पेरेंट्स अभी आपके घर में पीछे काम कर रहे होंगे ना, तो उनकी इंटेंट समझना, वो ये मान के बैठे कि बच्चा पढ़ रहा है। डोंट डू दिस थिंग टू यू, ठीक है, अपने लिए कोई भी चीज खराब मत करिए बेटा, क्योंकि दुनिया तो बैठी है खराब करने के लिए। बेटा एक अच्छा इंजीनियर बनने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में जब आप, आपके पेरेंट्स किसी कंपनी में जाके काम करते हैं ना, तो उनके भी बॉस होते हैं, उनके भी कलीग्स होते हैं, उनके पास भी अच्छी अच्छी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन जब वो इंसान अच्छा नहीं होता ना, तो आपके पेरेंट्स, भले ही वो आपका भाई हो, बहन हो, पापा हो, मम्मी हो, उनको उस कंपनी में जाने का मन नहीं करता है। समझिए इस चीज को, काम तो सभी को करना है लेकिन मरे मन से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी डिग्री नो डाउट वैल्यूएबल है, लेकिन आपका जो जो नेचर है वो भी इक्वली वैल्यूएबल है,
ठीक है, एक अच्छा इंसान भी बनिए।